ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 22वां अध्याय श्लोक नंबर 3 दर्शनोद्गतं ज्ञानं प्रत्यादित्सो इमोदितः सा सदर्शनयोगो वैन्या इन्द्रियेषु गुणान् इव तद्दर्शनोद्गतं प्राणान् प्रदयादिसो इवोदितः सा सदर्शनयोगो वैन्या इन्द्रियेषु गुणानि वा तद्दर्शनोद्गतं प्राणान् प्रत्यादित्सो विबोधितः सा सदर्श्यानुगो वैन्या इन्द्रियेषु गुणानि वा Less light here. The light come in. अत्यधिक इच्छा प्रकट किए जाने पर
कृपा सिंधु भैव च जय श्री कृष्ण दर्शनोद्गतं प्राणं प्रत्यादेशैवोतितः सा सदस्यानुगो वैन्या इन्द्रियेषु गुणानि वा. तो आप इस अध्याय में पढ़ रहे हो कि किस प्रकार पितु महाराज ने कुमारों का स्वागत किया, और पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से पितु महाराज ने अपने प्रजा को शिक्षा दी. पृथ्वी और आप ये भी पढ़ चुके हो कि किस प्रकार महाराज वेना जो पृथ्वी महाराज के पुत्र थे, किस प्रकार उन्होंने शासन किया. महाराज वेना के शासन के समय प्रजा अत्यंत दुखी थी. क्यों क्यों दुखी थी? क्योंकि उन्होंने हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया था, और क्योंकि समाज में हर प्रकार का यज्ञ रुकवा दिया था, उसका यह परिणाम हुआ कि पृथ्वी पर लोग अत्यंत दुखी थे. सारे सागर सूख गए, पेड़ों में कोई फल नहीं था, पृथ्वी से कुछ अन्न नहीं आ रहा था, और पूरी प्रजा अत्यंत दुखी थी. आज भी आप क्या देखते हो समाज में, भारत में उदाहरण के लिए इस समय जैसे आप शायद जानते हो ये साल बहुत कम बारिश आई है. ये कह रहे हैं कि भविष्यवाणी है कि दिस विल बी द हॉटेस्ट ईयर इन हिस्ट्री. ये 2015 पूरे विश्व में सबसे गर्म साल माना जाएगा इतिहास में, सारे विश्व में. अमेरिका के भी कई इलाकों में वर्षा 3-4 सालों से नहीं आई है. कैनेडा के भी कई इलाकों में बारिश नहीं आई है. और उसका क्या परिणाम है? जब बारिश नहीं आए तो क्या परिणाम होता है? आवश्यकताओं को आप प्राप्त नहीं कर सकते. तो ये इसलिए ये कष्ट, इसलिए ये स्थिति है क्योंकि आज जो हमारे नेता हैं महाराज वेना के समान है. उन्होंने समाज में यज्ञ इत्यादि में कोई रुचि नहीं लेते. भगवद्गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 3 चीज़ों को कभी नहीं त्यागना चाहिए. क्या है वो? यज्ञ, दाना और तपस्या. और 30वें अध्याय गीता के भगवान कह चुके हैं कि अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण. वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे या धर्म के नियमों का पालन. जब समाज में अधर्म फैलता है तो समाज में लोग धार्मिक शिक्षा का पालन नहीं करते तो यही परिणाम होता है जो महाराज वेना के समय हुआ और जो आज हो रहा है समाज में. और ये समाज की स्थिति बिगड़ते जाएगी. प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा था कि कलयुग में आप बादल देखोगे ये सोचोगे बारिश आने ही वाली है, बारिश नहीं आएगी. ये साल भी कईयों ने मुझे कहा ऐसे दिख रहा था कि बादल आ गए हैं, सब खुश थे बारिश आने वाली है, अंत में क्या परिणाम? बारिश आएगी. तो यज्ञ की आवश्यकता है. तो पृथ्वी महाराज हालांकि हैं शक्तवेश अवतार, भगवान के अवतारों का वर्णन शास्त्रों में है और अवतारों के अनेक विभाग हैं. गुना अवतार, पुरुषा अवतार, लीला अवतार, शक्तिवेश अवतार, युगा अवतार. तो भगवान के अवतार होते हुए भी पृथ्वी महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं. पिछले अध्याय में पृथ्वी महाराज ने प्रजा को शिक्षा दी. ये शिक्षा हर नेता को देनी चाहिए. प्रजा को क्या कहा उन्होंने? भगवान के नामों का उच्चारण करो.
तो इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार प्रीति महाराज ने कुमार राज का स्वागत किया। कुमार राज जैसे आप जानते हो किसके पुत्र थे, ब्रह्मा जी के, और उनकी कोई इच्छा नहीं थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। हम भारत में सोचते हैं कि जब तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करो जीवन असफल माना जाता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं। पर ब्रह्मा जी ने कुमार राज को विनती भी की थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, प्रजा बढ़ाने के लिए, पर उनकी कोई रुचि नहीं थी। क्या आपने योगी सिद्धियों द्वारा उन्होंने अपने शरीर को बड़े होने से रोक दिया। और जब व्यक्ति छोटी उम्र का होता है, बच्चा होता है, तो भौतिक आकर्षण भी उस समय नहीं होता। तो कुमार जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनके पास ये सुविधा है, वो किसी स्थान में भी किसी स्थान की यात्रा कर सकते हैं। आपने अगर जाना हो तो आपको मोटर में जाना पड़ता है या हवाई जहाज़ में, तो कुमार जैसे पिछले श्लोक में आपने देखा है कुमार के पास ये एक सिद्धि है कि बिना किसी मशीन के नारद मुनि के समान किसी समय भी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक लोग से दूसरे लोग वो यात्रा कर सकते हैं। और कुमार का सदा पहले साउंड ठीक था हाथ में, हरे कृष्णा, तो कुमार का सदा एक ही भाव रहता है। क्या भाव? भगवान का उपदेश देना। तो प्रीतु महाराज अपने अधिकारियों के साथ बैठे थे और प्रीतु महाराज ने देखा जब कुमार आ रहे हैं तो प्रीतु महाराज तुरंत ही उठे अपने आसन से, अपने अधिकारियों के साथ क्या करने के लिए, कुमार का स्वागत करने के लिए। और उनका आकर्षण कुमार के प्रति वैसे ही था जैसे कि भौतिकवादी व्यक्ति का आकर्षण है इंद्रिय तृप्ति की सुविधा की तरफ। भौतिकवादी व्यक्ति को अगर इंद्रिय तृप्ति का मौका मिले तुरंत ही उसका लाभ उठाता है। तो प्रीतु महाराज और उनके अधिकारी जैसे उन्होंने देखा इतना प्रकाश कुमार राज के चेहरे से, जैसे ही उन्होंने देखा कि कुमार राज आ रहे हैं, तुरंत ही वो खड़े हो गए अपने अधिकारियों के साथ क्या करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और बड़े एग्जैम्पलरी मैनर आदर्श तरीके से उन्होंने उनका स्वागत किया। हालांकि वो राजा थे, उन्होंने कुमार के चरणों को धोए पहले और चरण को धोकर फिर जल अपने माथे पर डाला। आप भागवत में पढ़ते हो सुदामा ब्राह्मण की कथा। सुदामा ब्राह्मण भगवान के बचपन के मित्र थे, ब्राह्मण थे इसलिए संतुष्ट थे हर स्थिति में। जो ब्राह्मण है वो कभी किसी को दोष नहीं देता। भौतिक समाज में तो हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, तुम्हारे कारण मेरी ये समस्या हुई, तुम्हारे कारण ये हुआ, ये घटना बीती मेरे साथ। तो जो ब्राह्मण है वो सोचता है मेरे कर्मों के अनुसार मुझे एक कष्ट भुगतना चाहिए तो मैं भुगत लूँगा किसको दोष दिए बिना। तो सुदामा ब्राह्मण भौतिक दृष्टि से गरीब था, एक पत्नी थी, छोटा सा कमरा था रहने के लिए। उसकी पत्नी को पता था कि इसका एक बड़ा धनी दोस्त है, तो पत्नी बार बार कहती थी तुम जाके अपने मित्र को क्यों नहीं मिलते। सुदामा ब्राह्मण तो तैयार था मिलने को,
उनके मन में भाव था शुद्ध भक्ति का भाव बढ़े। खैर पत्नी के कहने पर सुदामा ब्राह्मण तैयार हो गए द्वारका जाने के लिए। किसको मिलने के लिए? निकलने से पहले पति ने पूछा, कुछ भेंट है जो मैं ले जा सकता हूँ मेरे दोस्त के लिए? पत्नी ने देखा घर में तो कुछ था नहीं, पड़ोसियों से चार मुट्ठी क्या चूड़ा जोड़ लिया। सुदामा ब्राह्मण जब द्वारका पहुँचे, द्वार पहले द्वारों से निकले, रुक्मिणी के महल में पहुँचे जाके भगवान उपस्थित हैं। भगवान ने क्या किया, कैसे स्वागत किया उनका, कैसे स्वागत किया? चरण धोए, उनको बिस्तर में बिठाया, चरण धोए और फिर वो जल लेकर माथे पर डाला। तो भगवान ने उदाहरण दिया किस प्रकार ब्राह्मण का स्वागत होना चाहिए। तो उसी प्रकार प्रीतु महाराज हमें समझा रहे हैं किस प्रकार संतों का स्वागत होना चाहिए। अगर किसी का यह सौभाग्य हो कि उसके घर में कोई सन्यासी या संत आता है तो बड़े आदर के साथ उनका स्वागत होना चाहिए, चरण धोने चाहिए। इसी अध्याय में आगे के श्लोकों में कहा गया है कि जिस घर में संत का स्वागत ना हो वो ये माना जाता है कि इस संत के घर में सांप रह रहे हैं। जैसे कोई पेड़ हो जिसमें सांप हो, जैसे आप देखते हो कई घरों में बिल्कुल भक्तों का स्वागत नहीं होता, कुत्ते होंगे घर में, बाहर साइन होगा बिहेवियर ऑफ डॉग्स, पर वो भक्तों को अंदर आने नहीं देते। तो धनी लोग हैं सोचते हैं ये हमारी इच्छा। तो भागवत में कहा गया है जिस घर में संत का स्वागत ना हो ऐसे माना जाता है कि उस घर में सांप रह रहे हैं। तो प्रीतु महाराज ने हमें उदाहरण दिया है किस प्रकार संत का स्वागत होना चाहिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बदजीव व्यक्ति है उसका आकर्षण रहता है सदा इंद्रिय तृप्ति के कार्य के प्रति, और नेत्रों द्वारा क्या इच्छा रहती है, नेत्रों द्वारा इच्छा रहती है कि हम किसी गंदी तस्वीर को देखें। हाँ, भौतिकवादी व्यक्ति है उसका ये भाव रहता है कि जो अनेक इंद्रियां हैं उनका उपयोग किया जाए गलत कामों में। महाराज अम्बरीश का उदाहरण आप पढ़ते हो किस प्रकार हमें मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। ये नेत्रों द्वारा आप गंदी तस्वीरें देख सकते हो, जैसे आजकल स्मार्टफोन्स है सबके पास, सबके पास है, कितने भक्तों के पास स्मार्टफोन है। अच्छा, स्मार्टफोन का लाभ भी है। स्मार्टफोन में आप प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों को बिठा सकते हो। किसने सोचा था एक दिन आएगा जब आप प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को अपनी जेब में उठा सकोगे? कभी किसने सोचा था प्रभुपाद के ग्रंथों को अगर उठाना है तो आपके 20 बॉक्सेस चाहिए आपको। आज अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सारी किताबों को अपनी जेब में उठा रहे हो। आजकल मैंने देखा, मैं अभी अमेरिका कैनेडा में था, वो बोर्ड में श्लोक लिखते ही नहीं, जैसे ही श्लोक नंबर बोला जाता है सारे बग स्मार्टफोन में हो अपने के
कंप्यूटर में वो फ़ोन को ले आते हैं नंबर। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे भौतिकवादी व्यक्ति टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं इंद्रिया तृप्ति के लिए, भक्त उसी का उपयोग करता है भगवान की सेवा में। तो हर स्मार्टफोन द्वारा आप प्रभा जी के ग्रंथों को वहाँ बिठा सकते हो, आप अनेक मंदिरों की मूर्तियों का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। आज इसको उनके कई मंदिर हैं जिनका आप रोज दर्शन प्राप्त कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा। ये तो है स्मार्टफोन का सदुपयोग। फिर अगर आप चाहो तो जैसे भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं और कभी कभी भक्त भी गलती करते हैं, आप इस स्मार्टफोन में गंदी तस्वीरें भी बिठा सकते हो, पोर्नोग्राफी भी कर सकते हो, और कई लोग करते हैं। इसके लिए कई मंदिरों में सेलफोन का उपयोग बंद कर दिया है, क्योंकि ये टेलीफोन जो हैं एक रूप से सुविधा देती हैं, दूसरे रूप से आपको और गहराई से बंधन में भी फंसा सकती है। तो जो भक्त हैं वो नेत्रों का उपयोग गंदी तस्वीरों को देखने में नहीं करते, वो नेत्रों का उपयोग करते हैं किस लिए, नेत्रों के द्वारा भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो जो कान हैं और जीभ हैं, जीभ का आप दुरुपयोग कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा है टंग बेली जेनिटल्स दे आर ऑल इन अ स्ट्रेट लाइन। जीभ पेट जेनिटल्स सब सीधे लाइन में है। अगर आप जीभ को वश में रखोगे तो दूसरी इंद्रियों को वश में रखना ज़्यादा सरल होगा। अगर आप जीभ को वश में नहीं रखोगे तो दूसरी इंद्रियों को वश में रखना कठिन रहेगा। इसके लिए जीभ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उन भक्तों के लिए जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। जीभ द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का और कृष्ण प्रसाद को ग्रहण। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है, पाप। तो हमारा नियम ये होना चाहिए खाएंगे तो कृष्ण प्रसाद, और कृष्ण प्रसाद जितना खाना है खाओ। हम ये नहीं कहते ध्रुव महाराज की नकल करो। ध्रुव महाराज जब जंगल में गए थे भगवान को खोजने के लिए, उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की। पहले महीने हर तीसरे दिन क्या फल जो बंदर खाते हैं, अगले महीने हर छठे दिन सूखा घास, तीसरे महीने कुछ सब बंद कर दिया। वासुदेव और देवकी की इच्छा थी कि परम भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो देवताओं के 12,000 सालों के लिए हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटों के बराबर होते हैं। तो देवताओं के 12,000 सालों के लिए वासुदेव देवकी ने कुछ नहीं खाया। क्या खाया, केवल पत्ते जो पेड़ों से गिरते थे। तो हाँ, वो ये नहीं कह रहे आपको भी अभी से पत्ते खाने जो पेड़ों से निकल गए, अब तो पेड़ है ही नहीं। ये हमारे लालची व्यापारियों ने वृंदावन के सारे पेड़ लगभग काट दिए है कि नहीं। जब हम लोग ये कृष्णा वाला मंदिर बना रहे थे, प्रभा जी ने स्पर्श कहा तमाल के पेड़ को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। जब गोस्वामी थे वो अलग अलग वृक्ष के नीचे सोते थे, सो पाते थे क्योंकि पेड़ थे इतने। हाँ, तो अगर आप सोचो कि आप अलग अलग पेड़ों के नीचे सो गए, पेड़ खोजना भी कठिन रहेगा। तो खाओ तो खाओ क्या, कृष्ण प्रसाद। प्रभा जी ने क्या कहा, सिंगिंग डांसिंग फीस्टिंग, कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद नाचो और फिर प्रसाद खाओ। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ
बहुत बड़ा कीर्तन करते थे। श्रीवास आंगन में उन्होंने कीर्तन शुरू किया था। तो एक दिन 8-9 घंटे के लिए एक साथ कीर्तन हुआ। फिर भक्तों ने कहा हमें भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी एक और दिव्य लीला प्रकट की। एक जाम का बीज बोया जो मिनटों में एक बड़ा पेड़ बन गया, और उस पेड़ से 200 पके हुए आम तुरंत ही प्राप्त हो गए, तुरंत। और ये जो आम थे उनमें ना तो छिलका था ना हड्डी, बिल्कुल मीठे। और एक आम इतना भारी था कि एक आम खाने से पेट भर जाता था। क्योंकि भक्तों ने कीर्तन किया तो उन्हें नाचा, ना और नाचने के बाद क्या फीस्टिंग। भक्तों को भूख लगी थी, भक्तों ने कहा हमें भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दीजिए। महाप्रभु ने एक और आध्यात्मिक चमत्कार प्रकट किया। एक मिनटों में ही वो पेड़ से 200 आम निकले, और एक साल के लिए रोज लंबे कीर्तन के बाद वो पेड़ 200 आम देता था, और फिर पेड़ प्रकट हो गया। तो हमें जीव के द्वारा भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए। जीव के द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो न सेव न सेव एव गति अनेका। हरे के नाम हरे के नाम हरे के नाम। भगवद गीता में भगवान जीव देह और मन की तपस्या की चर्चा करते हैं। भगवान समझाते हैं शरीर की क्या तपस्या है, जीव की क्या तपस्या है, और मन की क्या तपस्या है। तो जीव की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं जीव के द्वारा सत्य का उच्चारण करो। किसका? झूठ का नहीं। तो ये तो बहुत भारी समस्या है कलियुग में। कलियुग में तो सिद्धांत है लोगों का झूठ बोलो पर सत्य नहीं। अगर हम धर्म की भी चर्चा करेंगे तो धर्म की व्याख्या भी अपने मन के अनुसार। प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता प्रकाशित की उन्होंने किस नाम से प्रकाशित की? भगवद गीता यथारूप। तो कई लोग पूछते हैं भक्तों से आपकी यथारूप और दूसरे ग्रंथों में क्या अंतर। तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं भूमिका में। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने उसी विचारधारा से संदेश को प्रस्तुत किया है जिस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। और ये भगवद्गीता यथारूप का अनुवाद 70 से अधिक भाषाओं में हो गया है। सारे विश्व में लोग इस गीता को पढ़कर भगवान के शरणागत हो रहे हैं। तो जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, जिसका ये अर्थ भी है कि जब आप शास्त्रों का वर्णन करो तो शास्त्रों का सत्य संदेश दो। ये नहीं मेरे ख्याल से हमारे विचार से ऐसे होना चाहिए। फिर जीव के द्वारा सत्य का उच्चारण करो पर मिठास के साथ। जैसे कि प्रभुपाद जी हर प्रकार के व्यक्ति से मिलते थे, कईयों का अलग सिद्धांत था पर बड़े प्रेम से बात करते थे। और हर व्यक्ति कहता था आई मेट अ जेंटलमैन, मैं जेंटलमैन को मिल के आ रहा हूँ। तो सत्य को उच्चारण करो पर मिठास के साथ। यानी एक गधा तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कर गए? हाँ, प्रेम से करोगे तो अच्छी संभावना है कि व्यक्ति स्वीकार करेगा। फिर जीव के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो, कृष्णा कथा में रुचि लो। जैसे कि भागवतम के 10वें स्कंद में अनेक श्लोक हैं जहाँ की कृष्ण कथा पर रुचि दी जाती है।
ये कहा जाता है कि हमें कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से भागवतम सुन रहे थे, कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो प्रजल्पा में रुचि घटेगी, और कृष्ण कथा में रुचि नहीं लोगे तो काम प्रजा बढ़ेगी रुचि प्रजल्पा में। रूपक गोस्वामी जी कहते हैं अत्यारा प्रशस्या प्रजल्पा नियमाग्रह, प्रजल्पा करोगे तो आपकी भक्ति कमजोर हो जाएगी, कृष्ण कथा करोगे तो भक्ति में रुचि बढ़ेगी। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, रुचि घटे या बढ़े? तो बढ़ने की आप कीमत भरने को तैयार हो? कई बार हमें अंतिम लाभ चाहिए पर मुफ्त में, जैसे कि कई बार कोई राष्ट्रपति या कोई आए विदेश से तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको ऑनरी पीएचडी डिग्री दे देगी, उनको पाठशाला जाने की ज़रूरत नहीं पर डिग्री दे देगी। तो अगर हम सब सोचें हमें त्याग तो कुछ करना नहीं है पर हमको डिग्री चाहिए, हमें भगवान का धाम चाहिए, तो ये कैसे संभव होगा? भगवान का धाम चाहिए तो कीमत भरनी पड़ेगी। भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम् हम तम सर्वे पापे मोक्षयामि, सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ फिर मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। भगवान ये नहीं कहते तुम अपनी बदमाशी करो और बिना शंका के मैं धाम में आओगे, कहते हैं भगवान कहते हैं मन मन बाबा मत भक्तो मान लिया जी माम नमस्कार, मेरा भक्त बनो मेरा चिंतन करो फिर बिना शंका के तुम कहाँ आओगे, मेरे धाम आओगे। तो जीव के द्वारा हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम कृष्ण कथा में रुचि लें और भगवान के नामों का उच्चारण करें। कृष्ण कथा में रुचि लोगे और हरि नाम का उच्चारण करोगे तो क्या लाभ होगा, चेतो दर्पण चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें केवल 8 श्लोक दे गए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल पहले श्लोक में क्या कहते हैं चेतो दर्पण। तो हरि नाम का उच्चारण और कृष्ण कथा के उच्चारण से एक लाभ यह है कि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का प्रभाव है अनर्थ है जिसे हम जानते हैं, ये अनर्थ दूर हो जाएंगे। अगर हम शिक्षा का लाभ उठाएं तो बिना शंका के ये मैल दूर हो सकती है, और अगर हम इसका लाभ नहीं उठाएं तो भौतिक आकर्षण बढ़ते जाएगा। और कृष्ण कथा और हरि नाम के उच्चारण का एक और लाभ क्या है, ये प्रथम श्लोक में ही महाप्रभु क्या कहते हैं आनंद बुद्धि वर्धनम, कि अगर आप जीव के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करोगे कृष्ण कथा में रुचि लोगे तो आप असली आनंद भी अनुभव कर पाओगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए तपस्या का पालन करो तो इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं तपो देवी पुत्र का ये दे सत्व, हे मेरे बेटे तुम सब तपस्या का पालन करो किसके लिए, भगवान की खुशी के लिए। दिव्यम ऐसे तो भौतिक जीवन भी तपस्या का जीवन है, लोगों को 4 नौकरी अमेरिका जैसे देश में करनी पड़ती है खर्चा निकालने के लिए, भारत की भाज छोड़ो तो वो भी तपस्या है 3 नौकरी करना। आजकल सबसे बड़ी बीमारी यह है कि लोगों को रात को नींद नहीं आती। कल बद्रीनारायण महाराज क्लास दे रहे थे दिल्ली में, कह रहे थे एक अमेरिका का एक बड़ा करोड़पति व्यक्ति है ट्रंप,
करोड़पति मिले। उसके पास सोने के लिए $50,000 का बिस्तरा है। जिस बिस्तरे में वो सोता है वो बिस्तरे की कीमत है $50,000। कितने रुपए होगा वो? और 30 करोड़ रुपए। कितने रुपये? 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ रुपए का बिस्तरा आपने सोचा है कभी सोने का? आप तो 10 रुपए की चटाई में सोते होंगे। तो इस व्यक्ति के सोने के लिए 2 करोड़ रुपए का बिस्तरा है, पर इस व्यक्ति को बीमारी क्या है? उसको नींद नहीं आती। तो 2 करोड़ का बिस्तरा है पर उसको बीमारी है, नींद ही नहीं आती, तो सारी रात वो जागा रहता है। तो वो भी तपस्या है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं पर तपस्या उठाओ भगवान की खुशी के लिए, फिर उसके बदले में क्या मिलेगा? आनंद, असली आनंद। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आनंद बोधि वर्धनम। तो हमें हमारे अनेक अंगों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, और इस विषय में हम सबके समक्ष महाराज अमरीश का बड़ा सुंदर उदाहरण है। अगर हम कहें कि वो तो महाराज अमरीश थे, हम महाराज अमरीश थोड़ी हैं, हम तो कलियुग की प्रजा हैं, हमारे लिए कहाँ संभव होगा? संभव बेशक नहीं हो, पर प्रयास करने से हो सकता है। जब हम शास्त्रों में इन महान संतों का उदाहरण पढ़ते हैं तो उसका ये अर्थ नहीं कि आप पढ़ते ही उनके समान बन जाओगे, पर कम से कम उनके विषय में पढ़कर ये आप लक्ष्य रख सकते हो कि हम ही उस मंजिल पर पहुँचें। और प्रयास करने से, भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो उसे मैं क्या करता हूँ, उसे मैं दूर कर देता हूँ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि प्रीति महाराज के द्वारा हम ये भी समझते हैं। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, तात्पर्य में उसका उपयोग करते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। आपने सुना है पहले ये? इसका हिंदी में अर्थ क्या है? एक भाव के व्यक्ति, कोई टेक्निकल ट्रांसलेशन है? एक भाव के व्यक्ति कटा रहना पसंद करते हैं। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं शराबी का। शराबी अक्सर कहाँ रहता है? दूसरे शराबियों के साथ। जुआरी कहाँ रहता है? जुआरियों के साथ। भौतिकवादी व्यक्ति कहाँ रहते हैं? दूसरे मित्रों के साथ। और भक्त कहाँ रहते हैं? भक्तों के साथ। साधु संग, साधु संग शर्मशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग शर्मशिया। लाभ मात्र, एक सेकेंड का 14वां हिस्सा के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त हो तो आपका जीवन सुधर सकता है। तो इसलिए शास्त्रों का निर्णय है साधु संग में रहो अगर आप भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहते हो। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बड़ी गहराई के साथ शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी उनके भाई रूपा के समान नवाब हुसैन शाह के यहाँ नौकरी कर रहे थे। पहले रूपा गोस्वामी ने नौकरी त्यागी और उसके पश्चात सनातन गोस्वामी ने त्यागी। सनातन गोस्वामी को तो जेल में जाना पड़ा। पहले तो 1 महीने के लिए वो दफ्तर ही नहीं आए। राजा ने कहा भाई रूपा भी लापरवाह था, नौकरी त्याग दी, अब ये भी नहीं आना काम करने, शासन कौन संभालेगा? और राजा ने जाना था उड़ीसा, वहाँ के राजा से युद्ध करने के लिए। राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा, वैद्य, जाके देखो सनातन को क्या बीमारी है।
آج کل تو اگر کوئی آپ کے گھر میں آنا چاہے وہ گھنٹی بجاتا ہے, پھر آپ پوچھتے ہیں کون ہے, اور آپ نہیں کھولنا چاہتے تو آپ دروازہ نہیں کھولتے, اور ٹیلی فون کا جواب دینے سے پہلے بھی دیکھتے ہو کون فون کر رہا ہے, کوئی قرضہ ہے, قرضہ لینے والا تو نہیں کر رہا, اور قرضہ لینے والا ہوتا تو آپ جواب ہی نہیں دیتے. تو ان دن میں یہ سویدھا نہیں تھی, تو وہ ویدیا سیدھا اندر پہنچ گئے. انہوں نے دیکھا سناتن گوسوامی 30 براہمنوں کے ساتھ بیٹھ کر شریمد بھاگوتم چاروں اور کمرے میں پڑے تھے, ادھیان کر رہے ہیں, دیویہ چرچا کر رہے ہیں. ویدیا نے راجا کو کہا سناتن کا تو سواس بالکل ٹھیک ہے سردار, سب وہ تو بھاگوتم پڑھ رہے پنڈتوں کے ساتھ. راجا نے انہیں بلایا, تو سناتن راجا کے پاس پہنچے, انہوں نے راجا کو پرنام کیا, آدر دیا. راجا نے کہا میں یہاں امرتسر جانا چاہتا ہوں, تم ابھی آؤ ابھی نوکری سنبھالو. سناتن نے کیا کہا, میری تو اب کوئی روچی نہیں. پرانت میں راجا نے انہیں جیل میں ڈال دیا, اور جیل سے نکلے بڑی مشکل سے. کیسے نکلے, بڑی سبھا میں بولنے سے ڈر لگتا ہے ان کے. تو چیتن مہاپربھو نے سناتن گوسوامی کو بھکتی کے وشے میں انیک نیموں کی چرچا کی. پرانت میں چیتن مہاپربھو نے کہا ان سب میں پانچ سب سے مہتوپورن ہیں, ان پانچ میں سب سے پہلے کیا تھا, سادھو سنگ, سادھو سنگ ناما کیرتن, بھاگوتم شرونم, بھگوان کے آچر وگرہ کی اپاسنا شردھا سے, اور دھام میں تو آپ رہ رہے ہو تو آپ کہو کہ سب کچھ دھام بامبے دہلی سب چھوڑ کر ورنداون آ جانا چاہے, پر پھر سب یہاں آ جائیں گے تو پرچار کون کرے گا, اپنے گھر میں دھام کا واتاورن رکھو. تو سب سے پہلے تھا سادھو سنگت. تو سادھو سنگت میں رہنا بہت ہی مہتوپورن ہے, اور سادھو سنگت میں ہم رہیں تو ونمرتا کے بھاؤ سے رہنا چاہیے, اور سادھو سنگ میں رہو گے تو سدا آدھیاتمک سندیش سنتے رہو گے. پر سادھو کو کیول ہم وستروں سے نہیں پہچانتے, یہ نہیں سیفرن کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں, مالا ہے ہاتھ میں, یہ تو اچھا مہاتما ہوگا. سادھو کا آچرن بھی شدھ ہونا چاہیے, اس کا آچرن بھی شاستر پر آدھارت ہونا چاہیے, یہ نہیں منہ میں رام رام آگے کیا بغل میں چھری, یہ نہیں منہ میں رام رام اور پھر من میں کچھ اور. ایک سمے ایک استھان میں دو ویکتی تھے, ایک تھا براہمن اور اس کے گھر کے سامنے تھا ایک ویشیا کا گھر. براہمن برانڈے میں بیٹھتا تھا, شاستر کو کھلا کر پڑھ کے ایسے دکھاتا تھا لوگوں کو میں شاستر پڑھ رہا ہوں, پر من میں وہ سوچتے رہتا تھا اوہو یہ ویکتی اس ویشیا کے گھر جا رہی ہے جا رہا ہے, ویشیا سے پریم کرے گا یہ کرے گا. اور جو ویشیا تھی وہ کیا سوچ رہی تھی, میرے پاپوں کے کارن میں اس دھندے میں جڑی ہوئی ہوں, تو بھگوان مجھے اگلے جیون میں براہمن جیسے درشن دیں جنم دیں, میں بھی سدا شاستروں کو پڑھ سکوں. تو اس علاقے میں آگ لگ گئی جس میں دونوں براہمن اور ویشیا دونوں کی مرتیو ہو گئی. تو یامدوت آئے براہمن کے گھر, چلو نرک میں سجا کے لے. وہ براہمن نے کہا تم غلط پتے پر آ گئے ہو, تمہیں تو ویشیا کے پاس جانا چاہیے, میں تو ہمیشہ شاستروں کا ادھیان کر رہا تھا. یامدوت نے کہا تم پکھن کر رہے تھے کہ ادھیان کر رہے ہو, پر من میں سوچ رہے تھے ویشیا کے بھوگ ولاس کے وشے میں, اور ویشیا جڑی ہوئی تھی غلط کاموں میں, پر من میں سوچ رہی تھی کیا,
मैं ब्राह्मण कब बनूंगी, तो तुम चलो सजा भुगतने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था, तो हमें मन द्वारा भगवान का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। तो साधु संग में रहोगे तो सदा दिव्य संदेश प्राप्त करते जाओगे, और साधु संग और भक्तों की संगत में रहोगे तो क्या क्या भाव आएगा, भौतिक भाव। तो सत्संगति आ गए वैष्णव आचारा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भौतिक वादियों की संगत त्यागो। तो आप कहोगे भौतिक वादियों की संगत त्यागने से काम कैसे चलेगा, आप प्रचार करने जाते हो तो भी भौतिक वादियों को प्रचार करना पड़ता है, आप नौकरी कर रहे हो धंधा कर रहे हो तो भी उनकी संगत में रहना पड़ता है। तो भौतिक वादियों की संगत में उतना ही रहो जितना कि बिल्कुल आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक समय काटो भक्तों की संगत में। जितना आप साधु संग में रहोगे उतनी तेजी के साथ आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो भक्त हैं उनकी इच्छा रहती है कि सदा मैं भक्तों की संगत में रहूं। तो हम सबका ये भाव होना चाहिए कि हम भक्तों की संगत में रहें। और इस विषय में नारद मुनि ने कहा ध्रुव महाराज से, तीन प्रकार के संगत आप प्राप्त कर सकते हो। एक है उनकी संगत जो भक्ति में आपसे ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा उन्नत है। दूसरा उनके साथ संगत जो आपके समान है। और तीसरा उनकी संगत जो आपके जो भक्ति में आपसे कम ज्ञान रखते हैं। तो आपका क्या व्यवहार होना चाहिए इन परिस्थितियों में, अगर आपका आपको संगत मिले उनके साथ जो आपसे ज़्यादा एडवांस हैं, आपसे ज़्यादा आगे बढ़े, तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा संदेश सुनोगे जिससे आध्यात्मिक उद्धार हो सकता है। और अगर आपके संगत हो आपके समान के व्यक्तियों के साथ, फिर हमें क्या करना चाहिए, मित्रता का भाव। और जब आप मिलो किसी से जिसका आपसे भक्ति में कम ज्ञान हो, तो क्या भाव होना चाहिए, दया कंपैशन। हमें तो कईयों को नींद आ रही है, उसमें क्या भाव होना चाहिए, दया और कंपैशन। ये नहीं कि हम भक्तों के संग में रहेंगे पर हम यही दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम तुम्हारे से कितने अच्छे हैं, तुम निकम्मे हो मैं अच्छा हूँ। तो इसलिए हमें महाप्रभु जी के संदेश का स्मरण करना चाहिए। महाप्रभु ने क्या कहा, तिनादपि तरोरपि अमानि न मना देना के दिन। हमारे में सदा विनम्रता का भाव होना चाहिए, और विनम्रता के भाव से और सहनशील होना चाहिए। और अगर इस भाव से हम भक्ति में जुड़ेंगे तो बिना शंका के आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकोगे। तो संक्षेप में आज के श्लोक में आप पढ़ रहे हो कि जब पृथु महाराज ने महाराज को देखा प्रवेश करते हुए तुरंत ही उठ गए अपने अधिकारियों के साथ, तो बड़े आदर के साथ उन्होंने क्या क्या उनका स्वागत किया। और हमें शिक्षा दी है कि इस प्रकार हमें संतों का स्वागत करना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा भाव। हरे कृष्ण।